सुन्नत है। हमारे जो क्या बोलते हो वो पैगंबर जो थे उन्होंने में बड़ी औरत से शादी करी थी, तो हमारे में सुन्नत है। जैसा कि आपने राखी सावंत की वीडियो देखी जिसमें राखी सावंत रोते हुए ये कह रही हैं कि आदिल खान ने मुझे धोखा दिया और मुझसे इसलिए शादी की कि इस्लाम में बड़ी औरतों से शादी करने की सुन्नत है। राखी सावंत का कहना है कि आदिल खान ने इसलिए मुझसे शादी की। अब यहाँ पर बात की जाए राखी सावंत की, तो अब राखी सावंत 7 महीने बाद तनु चंदेल और आदिल खान के रिलेशन का मुद्दा छेड़ती ही नहीं है। जब भी राखी सावंत से इस बारे में पूछा जाता है तो राखी सावंत टाल मटोल करती हैं, क्योंकि आदिल खान जब जेल से बाहर आए हैं तो आदिल खान ने पूरी तरीके से राखी सावंत को एक्सपोज कर दिया है, और जो उनका रिश्ता था तनु चंदेल के साथ उस बारे में भी राखी सावंत के हस्बैंड आदिल खान ने बात की और लोगों को क्लियर किया कि उनके बीच कुछ भी नहीं था। जहां तक बात है आदिल खान की गंदी चैट्स की जो राखी सावंत ने लीक की थी, जिसमें आदिल खान की पिक्चर वगैरह भी थी, आदिल खान का कहना था कि ये पिक्चर राखी सावंत ने खुद ही अपने दूसरे मोबाइल में सेंड की, जिसका नाम उन्होंने वहां पर तनु चंदेल रखा, और लोगों को यह बताया कि ये तो आदिल खान की गंदी चैट्स हैं जो आदिल खान तनु चंदेल से बात करते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने आज तक तनु चंदेल से ऐसी बातें नहीं की। तो यह कहना था आदिल खान का तनु चंदेल और अपने रिलेशन के बारे में। दोस्तों वक्त ऐसा पलटा है कि आज से 7 महीने पहले हर कोई राखी सावंत पे आंख बंद करके यकीन करता था, मगर अब जबकि राखी सावंत उमरा से भी होके आई हैं, अब राखी सावंत की कोई भी बात पे यकीन नहीं कर रहा। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जैसा कि आपने वीडियो देखी, ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।